सो हेलो एस ओ एस सी लर्नर्स कैसे हैं आप सभी आई होप कि सारे के सारे बढ़िया होंगे मस्त होंगे एकदम अच्छे होंगे ठीक है तो टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है तो सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू देखो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी करना है आपको क्योंकि देखो मैं आपसे ये इंट्रैक्शन कर रहा हूँ कोई जस्ट आपके लिए एक वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ मैं ठीक है आपसे एक तरीके से मैं बात कर रहा हूँ जैसे एक टीचर और स्टूडेंट सामने बैठ करके बात करते हैं ना तो उस तरीके से तो गुड मॉर्निंग का भी रिप्लाई किया करो ठीक है तो आइए बात करते हैं ठीक है देखो यहाँ पर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो वेटिंग लिस्ट है क्या है जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी ठीक है मैं ऑलरेडी इसके लिए ना वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए काफ़ी पहले भी बनाई है मैंने एक लाइव क्लास में भी बताया था आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक और नई अपडेट मिली है मुझे है ना और किसके द्वारा मिली ये भी बता दूंगा मैं आपको बस वीडियो में आपको क्या करना है एंड तक बने रहना है रुके रहना वीडियो में तो देखते हैं आगे क्या है देखो एक तो ये मैंने आपको बोला था कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी एक तो ये वाली इसकी इसकी जानकारी दूंगा मैं आपको एक दूंगा ये वेटिंग लिस्ट कैसे चेक करें ठीक है वेटिंग लिस्ट कैसे चेक करें जो नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं ठीक है थीके? इसके बारे में हम बात करेंगे और क्या कहा ऐसा टीचर ने क्या कहा अरे यार ये तो गलत हो गया यहाँ पर ये लिख दिया मैंने दो दो बार लिख दिया चलो खैर कोई नहीं यार क्या कहा ऐसा टीचर ने वेटिंग लिस्ट के बारे में ठीक है ऐसे ऐसे टीचर ने वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या कहा थोड़ा यहाँ पर थंबनेल पे थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया आप इस चीज़ को मत ज़्यादा गौर करना ठीक है बस ध्यान रखना थोड़ा सा है ना तो आइए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है इस वीडियो में ऐसा है अरे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गया आपको कि आपके कुणाल सर का एक और चैनल है ठीक है और ये वाला तो है ही चैनल मैं सोच रहा हूँ कि उस वाले चैनल पर मैं एन सी ई आर टी दोबारा से पढ़ाना चालू कर दूँ ठीक है उसमें आप वीडियो देखो मेरी है ना मैं आपको बताता हूँ पहले मैं आपको चैनल की जानकारी दे देता हूँ कि मेरा चैनल कौन सा है ये मेरा चैनल है मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ यूट्यूब पर जाकर ही इसको मैं हटा देता हूँ जरा ये लो है ना मैं यूट्यूब पर ही दिखाता हूँ आपको ठीक है ये रहा तो यूट्यूब पर जाओ चैनल को सर्च करो और सब्सक्राइब करो ठीक है चैनल को सर्च करो सब्सक्राइब करो चैनल का नाम है के यू एन एल कनाल सर नाइन सिक्स ये वाला जो दिख रहा है ना आपको ये कनल सर नाइन सिक्स ये वाला चैनल है मेरा ठीक है इसको सर्च करो ठीक है ये इस पर भी मैंने ऐसे ऐसी की जानकारी दे रखी है एक्चुअली ये मैंने पर्टिकुलरली बनाया है ऐसे का चैनल इस पर ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं थोड़ा बहुत ही बताया था तो ये मेरा चैनल है आप इस पर क्लिक करो देखो इस पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे कितने हो रहे हैं ये वन पॉइंट टू थ्री के सब्सक्राइबर्स हैं इस पर ठीक है तो इस पर भी मुझे सपोर्ट करो एवरी ताकि इस पर भी सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ मेरे और मैं इस पर और भी आ, मतलब कि एन पढ़ाऊंगा ठीक है देखो इस पर भी मैंने वही कितनी बढ़िया लाइन लिख रखी है आपके लिए कि समथिंग इज़ बैटर देन नथिंग ठीक है तो ध्यान रखना इस लाइन को मैं आपके वहाँ डैशबोर्ड पर भी लिख के आया था तो देखो ये मेरा चैनल है इस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता हूँ ठीक है आप इसको सब्सक्राइब कर देना ठीक है सब्सक्राइब करो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है चलो अब हम अपनी काम की बात पर आते हैं ठीक है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ठीक है चलो आ जाओ कहाँ गया हमारा पेज ये रहा ठीक है तो भाई आ जाओ यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर ये रहा कि ये वाली इस चीज़ को यार रहने देना आ, क्या कहा एस ओएससी टीचर ने वेटिंग लिस्ट के बारे में हाँ ठीक है चलो तो अब बात करते हैं देखो क्या है जो वेटिंग लिस्ट की बात है ना कि वो कब आएगी सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि दस तारीख तक आएगी वेटिंग लिस्ट है ना देखो अभी क्या है जो दस तारीख तक वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस हैं ठीक है जैसी मैंने बात करी है दस तारीख़ या पंद्रह तारीख तक वेटिंग लिस्ट के आने के चांसेस हैं पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है क्योंकि तो भाई देखो पता नहीं सिस्टम में क्या दिक्कत है थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन भाई हमें वेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो सिस्टम से आगे हम चल नहीं सकते इतना है ना और जाहिर सी बात बताऊँ तो वेटिंग लिस्ट है ना करीब करीब पंद्रह तक मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए जैसे मैंने बात करी है टीचर्स से तो उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए पंद्रह तारीख तक ठीक है पंद्रह या दस तारीख तक जो भी आएगी और इसके बारे में मैं आपको बता दिया कि ये कब आएगी ठीक है जैसे ही वेटिंग लिस्ट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अब बात करते हैं आपको इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा ठीक है इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा देखो सबसे पहले और चेक कैसे की जाए वेटिंग लिस्ट की किसका सिलेक्शन हुआ है किसका सिलेक्शन नहीं, नहीं हुआ है अच्छा आपके पास अपना पासवर्ड पासवर्ड और आईडी तो होगी ही ना आईडी और पासवर्ड होंगे आईडी पासवर्ड से आपको क्या करना है आपको सिंपली चेक कैसे करनी है मैं आपको यहाँ पर उसी की वीडियो ही बना के दिखा देता हूँ रिकॉर्डिंग करके ठीक है आप उसी उसी हिसाब से चेक करते रहना ठीक है और बाकी जो भी क्वेरी है अपने कुणाल सर से कमेंट बॉक्स में आप, आप पूछते रहना ठीक है तो चलिए बताता हूँ मैं कैसे चेक करती हैं इसको ठीक है अब यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर ठीक है आप अगर गूगल क्रोम पर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा गूगल क्रोम पर गए यहाँ पर सर्च करना है आपको ये ईडी यू ये एड्यूडल करना है ठीक है एड्यूडेल जो आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना ये दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन ई डी यू हाँ हाँ वही ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है ठीक है तो यहाँ पर देखो ये लिखा है कई सारे नाम लिखे हैं ये गेस्ट टीचर्स रिवलिंग एन है हैप्पीनेस मैगजीन है ये सब मेंटल मैथ बैंकिंग और ये सब हमें किस पर क्लिक करना है ये ये वाला जो ये पार्ट है ठीक है इस पर क्लिक करना है ये वाला ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस ठीक है आपको इस पर क्लिक करना है तो आप क्या करेंगे सिंपली इस पर क्लिक करके फिर आप देखेंगे यहाँ पर सब आपका ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा आपको पता होगा आपने ये वेबसाइट कई बार देखी हुई होगी ठीक है अब क्या करना है आपको इसमें ऊपर जाना है देखो यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसको ज़रूर पढ़ें ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली इसको ज़रूर पढ़ें इन्फॉर्मेशन को और बेटा आप नीचे जा कर के आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर सारी न्यू अपडेट्स आती हैं ठीक है जितनी भी अपडेट्स आई हुई है ना ये ये देखो ये वाली अपडेट है ये वाली अपडेट है ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है अभी देखो जो लेटेस्ट अपडेट है ना वो क्या है लेटेस्ट अपडेट ये दे रखी है फ, आ, रिजल्ट फॉर एडमिशन 2023-24 इन बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड अभी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के क्या है ये रिज़ल्ट पब्लिश हुए हैं है ना तो अभी ये वाले पब्लिश हुए हैं तो यहाँ पर ऐसे ही आपको एक और मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर एक और ऐसे ही न्यू करके लिख जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा और दूसरी बात यहाँ पर चेक करना है और चेक करने के बाद आपको क्या करना है अब इसको कैसे हम पता लगाएं कि हम सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं चलिए वो भी बताता हूँ मैं आप, आपको थोड़ा नीचे आ जाते हैं इधर यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक करना है जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके न्यू अपडेट्स आ जाएंगी ठीक है ये वाली जो है ना ये ये आपके न्यू अपडेट्स यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखाता हूँ ठीक है ये देखो यहाँ पर ये न्यू अपडेट्स आ जाएंगी अभी क्या परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट की अपडेट है ठीक तो है तो इसीलिए अभी यही दे रखा है तो यहाँ पर आपका भी आ जाएगा जो वेटिंग लिस्ट में आएगा ठीक है वेटिंग लिस्ट मतलब एक मैसेज के तौर पर आपको पता लग जाएगा यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दो और जब आपको क्या करना है अपनी आईडी को लॉगिन करो अगर आप सिलेक्ट है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा इधर ठीक है जो भी इसमें होगा वहाँ पर सिलेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है अगर आप सिलेक्शन नहीं है तो आपका सिलेक्शन लिखा हुआ आएगा नहीं तो अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो निराश मत होना बिल्कुल भी देखो ये तो स्टडी है है ना हमें कहीं ना कहीं से तो करनी है तो टेंशन वाली आपको बिल्कुल भी बात नहीं लेनी है ठीक है अगर आपका सिलेक्शन हो तो देखो बहुत बेस्ट है नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है बुराई तो किसी बात में नहीं है आपके पास ऑलरेडी एक स्कूल अलॉट हुआ हुआ है ठीक है जो आपका पहले आप प्राइवेट या कहीं भी आप कोई से भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आपके पास स्कूल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप अपने यार दोस्तों की वजह से छोड़ रहे हो स्कूल को तो वो चीज़ है ना ठीक नहीं रहती अगर आप अपने दोस्तों की वजह से अपना स्कूल नहीं जा रहे वहाँ पर देखो आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑपरचुनिटी है ये ठीक है अगर ये आप ये ऑपरचुनिटी को छोड़ दोगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कई बच्चों ने यही किया है है ना क्या उनको स्कूल तो अलाट हुआ उनको स्कूल तो अलाट हो गया लेकिन उन्होंने क्या किया भाई थोड़ा सा दूर है हमारे लिए हमारे बस की नहीं है जाना है ना तो वो लोग स्कूल जा नहीं रहे ठीक है अब स्कूल नहीं जा रहे तो भाई वो तो गलत बात है ना कि अगर स्कूल नहीं जाओगे तो यार जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनकी सीट आपने ले ली और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बेचारे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कीन हैं एक्साइटेड हैं कि भाई देखो हमें एडमिशन मिल जाता तो हम ज़रूर जाते स्कूल की बिल्डिंग्स कितना मज़ा मज़ेदार स्कूल है है ना बेस्ट स्कूल यार बेस्ट स्कूल है ना मैंने देखा है खुद तो अंदर से मैंने आपके लिए वीडियो भी डाल रखी हैं आपको पता होगा कौन कौन सी वीडियो हैं चैनल पर जाकर देखो दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी वीडियोज़ हैं ठीक है ठीके? और चैनल पे आप देख लेना ऐसे ऐसी लर्नर्स पे मिल जाएगी आपको ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते हम तो अपनी बात करते हैं जो मेन है ठीक है तो देखो यहाँ ऐसे आपको है ना पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया आप सिलेक्टेड हैं नॉन सिलेक्टेड हैं पंद्रह तारीख तक देखते हैं मैसेज आता है या नहीं आता है बाकी मेरी संभावना ये कहती है कि आ जाएगा मैसेज अब देखो टीचर्स ने यही बोला मेरे से मैंने जब उनसे पूछा कि सर वेटिंग लिस्ट का क्या है है ना जो भी मैटर है वेटिंग लिस्ट का मुझे बताओ क्योंकि भाई देखो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ हैं है ना वेटिंग लिस्ट का मैं आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल पर कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी वेटिंग लिस्ट कब आएगी ठीक है देखो मैं बस वही है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो भी है तो देखिए ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया ये रहा अच्छा बच्चे देख रहे हैं कि सर क्या क्या देखते हैं हाँ <laughs> भाई जिम विम का ही सामान ज़्यादा देखते हैं ये देखो ये वीडियो भी डाल रखी है मैंने एस वैसी लर्नर्स करके ये वाली तो इसको ज़रूर देखें ठीक है इस पर ये तीन सौ पैंतीस व्यूज़ यार ये भी कोई व्यूज़ हैं आप कम से कम व्यूज़ तो बढ़ाओ है ना तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर एस वै सी वाले चैनल पर ठीक है तो देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्वेरीज़ बच्चों की कितनी है ये किसी बच्चों ने थैंक यू बोला है सर प्लीज़ बता दो वेटिंग लिस्ट के बारे में हाँ जी वेटिंग लिस्ट कहाँ है आ, कोई सी भी वीडियो पे आ जाएगा वो तो सारी वीडियो पूछ सर ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना ये ये कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी ये ये है केजरीवाल इज़ ग्रेट यहाँ पर देखो वेटिंग लिस्ट कब आएगी सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी कब आएगी मतलब इस तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ है बच्चों की कि सर वेटिंग लिस्ट कैसे कब आएगी है ना हमें समझ नहीं आ रहा है हमें बताओ सर क्या है कैसे है तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया और आपको ये भी बता दिया कैसे चेक करनी है आपको वेटिंग लिस्ट ठीक है तो वेटिंग लिस्ट को चेक करो जाओ देखो कैसे कैसे है वीडियो को पूरा देखो इसको ठीक है और मैं आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा ठीक है और क्या नाम है और वीडियो की बात की जाए तो देखो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या है एस मतलब एस ओ एस सी का तो मैं एंट्रेंस की तैयारी करवाऊंगा ही करवाऊंगा लेकिन उसके लिए मैं आपको कहाँ गया वो हाँ उसके लिए ना मैं आपको वो भी करवाऊंगा क्या नाम है एन सी आर टी ठीक है एन सी ई आर टी है ना एन सी ई आर टी के भी सवाल आते हैं बहुत सारे इसमें ठीक है तो दूसरे वाले चैनल का नाम क्या है मेरे कुणाल सर नाइन सिक्स इस चैनल को भी प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ठीक है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है अगर एन का कोई ऐसा भी कंसेप्ट समझना है कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होगी ठीक है आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे लाइव क्लास भी होगी ठीक है तो और इस वाले एस लर्नर्स वाले चैनल पर सॉरी एस लर्नर्स ठीक है इस पर मैं आपको एंट्रेंस की तैयारी करवाऊंगा ठीक है एंट्रेंस प्रिपरेशन ठीक है एंट्रेंस की तैयारी करवाऊंगा आपको ठीक है समझ में आ गया होगा आपको तो फिर ध्यान रखना है इस बात के लिए तो ऐसा ऐसी लर्नर्स और कुणाल सर नाइन सिक्स तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि पास आ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और जो स्टडी होगी ना बिल्कुल ऐसा ऐसी पैटर्न में होगी बिल्कुल ही कंसेप्ट बेस्ड होगी ठीक है आपको समझ में आएगा मज़ा आ जाएगा फुल एनर्जी में तुम्हारे कुणाल सर पढ़ाएंगे जैसे आपको पढ़ाते हैं ठीक है तो आप समझ गए होंगे इसको ठीक है और भी आगे मैं वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा तो पूरी पूरी वीडियो को देखें सो अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू जय हिंद जय जै भारत